क्वेश्चन नंबर 13 में हमें थ्री वेक्टर्स दिए हैं और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल को। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ये जेड इसमें अननोन है। तो देखिए, ये हम जानते हैं कि बाय वेक्टर सम, अगर कोई वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ हो वहाँ पे फिर टर्मिनेट भी हो, एक क्लोज पाथ है, तो इसका जो क्लोज पाथ का जो सम है वो फिर बराबर होता है ज़ीरो के। ठीक है, तो ये चूँकि रिप्रेजेंट करते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल को, तो ये भी एक क्लोज पाथ है, तो इसका जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होगा, ये ज़ीरो के बराबर होगा, यानी u प्लस वी प्लस w जो है ये ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके u v और w की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, सिमिलरली माइनस i प्लस 3j माइनस k, और जो w की वैल्यू है वो आप यहाँ पे इस तरह पुट करें। ठीक है, ये बराबर होगा ज़ीरो के। अब इसमें आप कंबाइन करें, ये 2i माइनस i और प्लस i, ये प्लस i माइनस i कैंसिल, इधर वी हैव 2i। सिमिलरली ये 3j प्लस 3j 6j प्लस 6j, ये 12j के बराबर होगा। ये 4k माइनस k 3k, और ये प्लस जेड के इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से ये 2i प्लस 12j, और इसमें से k को कॉमन करें, 3 प्लस जेड इन टू के, और यहाँ पे ये हम 0 प्लस 0 के लिख सकते हैं। ठीक है, इससे दोबारा फिर 0 आता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो k की कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 प्लस जेड है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, वो -3 के बराबर है। इस तरह आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं।